और अब 24 के 64 में बात उस लोकसभा सीट की जिसकी फाइट पिछले चार दशकों में एक तरफा ही रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने हैदराबाद के चुनावी 64 में ऐसा पासा फेंका कि ये लड़ाई न सिर्फ टफ बल्कि बेहद दिलचस्प हो चली है और हॉट सीट की लड़ाई की इस चिंगारी को शोला बनाकर भड़काने का काम किया है नवनीत राणा ने, जिनके जुबानी तीर ने ओवैसी के गढ़ में वाक युद्ध छेड़ रखा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में तेलंगाना में 4 दिनों बाद यानी कि 13 मई को वोटिंग होनी है और यहां का चुनाव साख का सवाल बन चुका है। देखिए 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड्स। पंद्रह मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हर उत्तर भारत के लोग गर्मी के बढ़ते पारे से परेशान हैं, तो दक्षिण में सियासत की तपिश इतनी हाई है कि 24 के महासमर में हर कोई हलकान है। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे। 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे 15 सेकंड के लिए, पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे। बाबर औरंगजेब तो चले गए, जिन्ना ने देश को बंटवा दिया, अब इनके अंदर जिन्ना का जिन पैस गया है। मोदी जी की चाल पे सब चल रहे हैं कि देश में नफरत का जहर फैलाओ और शायद कुछ बच जाए तो बच जाए। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में चुनावी घमासान की चिंगारी तो पहले से ही भड़क रही थी, लेकिन अब उस चिंगारी को शोला बनाने का काम किया है अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के उस बयान ने जो उन्होंने हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ चुनावी दंगल में लड़ रही माधवी लता का चुनावी प्रचार के दौरान दे दिया। दक्षिण के दुर्ग में 15 दिन बाद सबसे बड़ा दंगल होना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में किसका जादू चलेगा, इसीलिए दक्षिण की सबसे हॉट सीट बन चुकी हैदराबाद में जुबानी वार और पलटवार दोनों जारी और इसी लिस्ट में शामिल हो गया है 15-15 वाला वो अटैक जिसने महासमर के इस दंगल को एक नया एंगल दे दिया। सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, हम तो तैयार है। AIMIM प्रमुख के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 पुराने बयान को लेकर जब नवनीत का नया चुनावी स्टंट शुरू हुआ तो मानो हैदराबाद की सियासत में नया संग्राम छिड़ गया। आपको बता दें कि साल 2013 में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम तुम्हें बता देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के बयान पर नवनीत राणा ने 15 सेकंड वाला बयान दिया। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हर तेलंगाना के शहरी निजाम हैदराबाद में चुनावी चैलेंज में
नवनीत के हिट स्पीच न सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई बल्कि विवादित बयान के बाद बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। राणा को इस मरतबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही हैं और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे? पूरे चुनाव में जो मेन मुद्दा है वो है समाज में नफरत फैलाने वाला। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी समाज में नफरत फैलाने वाली, जहर घोलने वाली बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो उम्मीदवार है, वो भी इसी तरह की बात करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ कहा है वो भी गलत बात है, लेकिन उसका जवाब जो नवनीत राणा जो आज सांसद है कहा है बहुत ही शर्मनाक है। AIMIM और कांग्रेस मिलकर कार्रवाई की मांग जरूर कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड बनी नवनीत राणा के बयानों के बाद ना रुक रहे हैं और ना ही थम रही। नवनीत जब चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंच रही थी तो उन्होंने सीधा साधा ओवैसी को घर का शेर तक करार दे दिया। कांग्रेस भी एक डमी कैंडिडेट देते हैं MIM को सपोर्ट करने के लिए, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे के यहाँ से लड़के ओवैसी जी ने देखना चाहिए कि असली ताकत क्या होती है। पर माधवी लता जी के सपोर्ट में जिस तरीके से सभी विचारधार, पहले अपनी सीट बचाओ बोलिए उनको, अपनी सीट बचाओ बोलिए, शेर है, शेर शेर ही होता, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है। नवनीत राणा ने हैदराबाद में भड़काऊ भाषणों की लंबी लिस्ट की फेहरिस्त तैयार कर ली। 15 मिनट के बदले 15 सेकंड के हेट स्पीच के बाद वो रुकी नहीं, बल्कि बीजेपी के सांसद ने वोट की अपील करते करते यहां तक कह दिया कि हैदराबाद को पाकिस्तान बनने से रोकना हो। तो जिस सीट पर ओवैसी के लिए इस बार मुकाबला करो या फिर मरो का हो चला है, उसे जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका परिणाम हैदराबाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ओवैसी के लिहाज से देखा जाए तो देशव्यापी उनके सपनों पर इसका अच्छा खासा असर पड़ना तय है। ध्रुवीकरण का आधार दरअसल यहां जो है वो हिंदू मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है, उनकी संख्या है। कैसे हम आपको दिखाते हैं, आंकड़े आपको बताएंगे, देखिए, क्योंकि ये सीधा सीधा एक डिवाइड पैदा कर रहा है। मुस्लिम मतदाता लगभग 60%, हिंदू मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या है लगभग 40% के करीब। अब वोटरों के लिहाज से आपको बताएं कितने मतदाता है। पुरुष वोटर देखिए 9,45,277, महिला वोटर्स 10,12,522 कुल मिलाकर के। अब आपको दिखाते हैं कि तेलंगाना में 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखिए क्या रहे थे। कुल सीटें हैं 17, BRS के खाते में सबसे ज्यादा 9 गई थी, उसके बाद सेकंड पर बीजेपी थी 4 सीटें, कांग्रेस 3, AIMIM जो हैदराबाद तक सीमित है वो चौथे नंबर की पार्टी थे। अब बीजेपी का बढ़ता वोट प्रतिशत जो ओवैसी की परेशानी का एक और बड़ा कारण है वो देखिए 14 में कितना था, 10.5%, 18 में उसके बाद 7, ये विधानसभा अगर आप कंपेयर करें तो ये डबल हो जाता है 7 से 14, और यहां देखिए लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो ये भी लगभग डबल हो जाता है 10.5 से लेकर के 19.45, 5 सालों के दौरान। तो अब वोट प्रतिशत के लिहाज से आपको हम ये भी दिखा देते हैं बीजेपी के बाद कि अब ओवैसी की मजबूती किस तरह से बढ़ी है साल दर साल, ये भी देखिए, और यही कारण है कि ओवैसी बेहद मजबूत, भले वो घर का शेर कहें लेकिन शेर तेलंगाना में नजर आते हैं। 2004 में 38.4, 9 में 42.1%, 14 में 52.9 और यहां देखिए लगभग 60% वोट प्रतिशत लेकर यहां के किंग बने ओवैसी। लेकिन 24 का चुनाव अलग है, बीजेपी की बिछाई बिसात को वैसी कैसे और कितनी सफलता से पार कर पाते हैं, इस लिहाज से यह चुनाव हैदराबाद में अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव बन गया है।